नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जून महीने में होने वाले पास होने वाले एस्ट्रॉइड के बारे में, और दूसरी बात करेंगे कि नासा सही में क्या हमें अलर्ट कर रहा है, क्या डरा रहा है। तो चलिए इस वीडियो पर देखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एस्ट्रॉइड होते क्या है। एस्ट्रॉइड एक तरह का छोटा पत्थर या बहुत बड़ा पत्थर भी हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका 29 अप्रैल को माउंट एवरेस्ट की साइज यानी कि 3 से 4 किलोमीटर लगभग उसकी जो लेंथ थी, वो एस्ट्रॉइड पास हुआ, जो कि 50 लाख किलोमीटर की दूरी से पास हुआ। साथ ही 21 मई को भी हुआ। साथ ही जून महीने में भी 3 से 4 एस्ट्रॉइड पास हो रहे हैं। क्या इससे डरने की ज़रूरत है? और बात करेंगे कि क्या नासा सही में डरा रहा है। सबसे पहले तो बहुत सारी न्यूज़ हो गया, यूट्यूब हो गया, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं, वो केवल आपको डराने का काम करेंगे। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एस्ट्रॉइड होते क्या है। देखिए, एस्ट्रॉइड एक तरह के पत्थर होते हैं जो कि सन का चक्कर लगा रहे हैं। अगर वो किसी प्लेनेट या किसी ग्रह के दायरे में आ गए तो वो उसका चक्कर लगाने लगते हैं, उसके ग्रेविटी के इफ़ेक्ट से उसका चक्कर लगाने लगते हैं। और बहुत कम चांसेस होता है कि कोई एस्ट्रॉइड आके टकराए, ठीक है। मतलब 1000 साल में 1 या 2 या 3 बार ही ऐसा पॉसिबल होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो पर बात करेंगे कि जो एस्ट्रॉइड है ये क्या सही में पास हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जून महीने में ये 7 से 8 एस्ट्रॉइड पास हो रहे हैं। क्या इससे डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और एक और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नासा ने ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं की है अपने साइट में, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दी है कि एस्ट्रॉइड पास हो रहे हैं उससे डरने की ज़रूरत है, क्योंकि नासा के लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। एस्ट्रॉइड पास तो होंगे, इतने सारे एस्ट्रॉइड हैं हमारे सौरमंडल में, वो कहीं ना कहीं चक्कर लगा ही रहे होंगे। और साथ ही आप यकीन नहीं करेंगे कि जो कॉमेट होते हैं, धूमकेतु होते हैं, वो अर्थ में 1 महीने में कम से कम 1000 बार गिरते हैं, लेकिन हमारे वायुमंडल के कारण वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उससे कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती। और जो एस्ट्रॉइड है वो काफ़ी दूर से, करीबन लगभग समझ लीजिए 40 से 50 लाख किलोमीटर दूर से पास हो रहे हैं, मतलब कि चंद्रमा से भी ज़्यादा दूरी पर। तो इससे डरने की क्या बात है, इससे डरने की क्या ज़रूरत है? तो इस तरीके से मैंने भी कोई भी यूट्यूब चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जो डरा रहे हैं कि ये होने वाला है, कोरोना की महामारी चल रही, फिर ये दिक्कत आई, फिर अब एस्ट्रॉइड का डर। उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नासा ने कोई इस प्रकार का अलर्ट आपको नहीं किया है। नासा की साइट में आप जाके देख ले, कोई इस टाइप की न्यूज़ नहीं है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जून महीने में 3 से 4 या 5 6 एस्ट्रॉइड पास होने की संभावना है, तो वो बहुत दूर से होगी पास। तो इस तरीके से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी अफवाह वाली वीडियो साइंस से संबंधित है, मैं ज़रूर आपके सामने लाऊंगा। चैनल पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।